देखो, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अभी जो हमने चैप्टर किया था उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपल तुम्हें ट्रायल बैलेंस गिवन था, तुम्हें उससे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे। अच्छा, ये हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ये किसके बना रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर के। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? जो अपने बिजनेस का अकेला ऑनर है, ही इज द ओनली ऑनर ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती हैं, तो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये बेस है, ये तुम्हें हर जगह काम आएगा। ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख रहे हैं बनाने, ये एक तरीके से जितने भी टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना, सबका बेस यही है, ठीक है? बस उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है, और कुछ कंसेप्ट छोटे मोटे हैं जो जैसे कंपनी के केस में थोड़ा अलग टाइप से बनेंगे, ठीक है? वो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल जो चेंजेस हैं वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से थोड़ा चेंज आ जाता है, अदरवाइज बेस सबका यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, ठीक है? तो देखो, इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पर देखो क्या है, किस टाइप की चीजें तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। जैसे तुम्हारे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है? ट्रायल बैलेंस से तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही हो। अब मान लेते हैं तुम्हें ट्रायल बैलेंस में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस हैं। कुछ तुम्हारे पास एसेट्स गिवन होंगे, लाइबिलिटीज के बैलेंसेस गिवन होंगे, एक्सपेंसेस के बैलेंसेस गिवन होंगे, एंड इनकम के बैलेंसेस गिवन होंगे। ये चार चीजें तुम्हें ट्रायल बैलेंस में मिलती हैं, और एसेट्स के डेबिट में होंगे, लाइबिलिटीज के क्रेडिट में, एक्सपेंसेस के डेबिट में, एंड इनकम के क्रेडिट में होंगे, ठीक है? और ये टोटल हमारा इक्वल आ जाता है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है? अब देखो, जो तुमने देखा था लास्ट चैप्टर में भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने वन किया था, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हें नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ होता था कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी गिवन होती थी, ठीक है? तो तुमने देखा था जो ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होती थी, इसको हम दो जगह लिखते थे। एक तो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, और एक हमारा ये बैलेंस शीट में आता था, एसेट में, ठीक है? इसको हम दो जगह लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक को। हेलो संस्कृति, हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? अभी बस मैंने इसमें इतना बताया है कि ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। मैंने नया कुछ भी अभी डिस्कस नहीं किया है, नया अब डिस्कस होने वाला है। तो देखो, जितनी भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है ना, उनका डबल इफेक्ट आता है, उनका इफेक्ट हमेशा तुम्हें डबल मिलेगा। डबल का लॉजिक क्या है? जैसे कि ये तो एडजस्टमेंट नॉर्मल थी, ये भी एक टाइप की एडजस्टमेंट ही है, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक लास्ट चैप्टर में देखा है, ये भी एक टाइप की एडजस्टमेंट ही थी, ठीक है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता है हमेशा। क्यों होता है वो बाहर? मैंने इसका लॉजिक भी तुम्हें बताया हुआ है। अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस गिवन होती हैं ट्रायल बैलेंस में, तब ये क्लोजिंग स्टॉक की फिगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगी, ठीक है? अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया, तो वहां पर क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाती है। तो इस वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा अलग से बताया हुआ होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होती है पहले से, ठीक है? इसलिए अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन होता है, तो ये स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, फिर हम उसको एक जगह लिखते हैं बैलेंस शीट में सिर्फ, फिर हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है? अब देखो, ये दूसरा इफेक्ट, दूसरी मैं कुछ नई एडजस्टमेंट बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए न्यू है। यहां से हमारा ये नया चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है? पहले हम अपनी फोर एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे एक साथ। आज मैं पहले इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ, प्लीज उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें लॉजिकली समझ में आ गया, तो तुम उसको फिर
मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, वरना वो ना लर्न करने लगते हैं बच्चे की, इसका इफेक्ट एक जगह यहाँ आएगा एक जगह यहाँ आएगा। अगर तुम्हें रीजन पता होगा तो तुम्हें फिर सारी एडजस्टमेंट अच्छी लगेंगी पढ़ने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहली मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करने जा रही हूँ आज, मैं इसको नंबर 1 नाम ही दे देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। सबसे पहले मुझे ये बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मीनिंग होता है? बोलो जल्दी से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, क्या चीज है ये? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, अब देखो अगर कोई एडजस्टमेंट मुझे बाहर दी हुई है ना तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे, मान लेते हैं इसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमारी सैलरी थी वो आउटस्टैंडिंग रह गई थी, कितने की थी? ₹10,000। तो ये बात अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताई हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड होने से रहती है, मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमने जब हमने जर्नल एंट्री पास की थी तो उस टाइम पर हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। समझ रहे हो एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में पता चली। समझ में आई? अब देखो जब हमें वो इंफॉर्मेशन अगर पहले ही पता चल जाती तब तो इनका इफेक्ट पहले ही हम जर्नल एंट्री कर चुके होते, जर्नल एंट्री से लेजर में आ गया होता और लेजर से ट्रायल बैलेंस में ये इंक्लूड होता, फिर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है इट मीन्स हमने इसको पहले रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, यानी कि ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ ऑमिशन है ये सारे एक टाइप के, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इनकी एडजस्टमेंट हम डायरेक्टली, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ बातें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में पता चली, तो कई बार क्या होता है हम इनका इफेक्ट डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे, हमें इस चैप्टर में ये सीखना है। मतलब हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हमें बाद में पता चले तो इसका मतलब ये नहीं अब मैं पहले फिर से जर्नल एंट्री करूंगी, फिर लेजर बनाऊंगी, फिर से अपना ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी, वो सब काम ना करके हम डायरेक्टली इनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर गिवन है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की मुझे तुम जर्नल एंट्री बता सकते हो? अगर मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री पास करनी हुई तो मुझे बता सकते हो क्या एंट्री होगी इसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि वो ड्यू हो गया था, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, तो सैलरी हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस हमारा ड्यू हो गया था, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब ये दूसरी तरफ हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई है। तो ₹10,000 की अगर मैं जर्नल एंट्री पास करती तो ये एंट्री हमारी पास होती जो कि हमने पास नहीं की थी। तो ये बात हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है ₹10,000। अब इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टली कैसे लेना है? अब देखो तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर, तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी पहले से गिवन होगा, हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस, कुछ सैलरी हमने और भी पे की होगी जो पूरे साल में पे हुई होगी वो हमने रिकॉर्ड कर ली होगी और ये 10,000 वाली रहती होगी, तो सैलरी हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा डेबिट बैलेंसेस में, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, मान लेते हैं डेबिट बैलेंसेस में पहले से ₹50,000 गिवन है। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया हुआ था, अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ एक टाइप से, ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी पहले से गिवन थी 50,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया हुआ होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसका इफेक्ट कैसे लेंगे? देखो सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है वो कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो तुमने डेबिट साइड में यहां पर सैलरी लिखा होगा, टू सैलरी 50,000, जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो तुमने, ये सैलरी तुमने P&L अकाउंट में लिखी होगी। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका देखो क्या इफेक्ट आएगा, इसकी वजह से ये जो हमने सैलरी लिखी थी P&L में ये इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं यहां पर ऐड कर दूंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी,
10,000, मतलब जो मेरी पीएनएल अकाउंट में सैलरी लिखी जाएगी वो 60,000 रुपीज लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी? 60,000। अब देखो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का अलग से हमें पता चला बाद में, तो इसका डबल इफेक्ट आएगा। डबल इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं जर्नल एंट्री पास करती तो भी तो उसका डबल इफेक्ट आता ना, तब भी तो मैं उसको क्या करती, सैलरी देखो मेरा 10,000 डेबिट होता, तो ये जो सैलरी मैंने ट्रायल बैलेंस में लिखा था ये 60,000 होनी चाहिए थी अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती। और लाइबिलिटी में हमारा दिखाई देता कितना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपीज। तो जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनके डबल इफेक्ट आएंगे। एक इफेक्ट तो इसका कहाँ जाएगा, इससे हमारा सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वजह से क्या होता है, हमारे उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ आता है, हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, एसेट्स में या लाइबिलिटीज में, बोलो। हाँ लाइबिलिटीज लाइबिलिटी, तो हम लाइबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कितना, 10,000। यानी कि अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ होगा, मान लेते हैं रेंट है, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमें रेंट की वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं 20,000, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बता दिया आउटस्टैंडिंग रेंट था हमारा 5,000, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, जब तुम पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो पीएनएल अकाउंट में यहां पर लिखोगे टू रेंट, क्या लिखोगे, टू रेंट कितना, जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस के अंदर था 20,000, ये तो तुम लिखोगे ही। और ये जो हमें बाहर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसको यहाँ रेंट में तो ऐड कर दोगे, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी आउटस्टैंडिंग रेंट की वजह से रेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये वाला रेंट भी तो हमें एक्सपेंस में इंक्लूड करना था ना। ये हो जाएगा 25,000 टोटल। और ये 5,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 5,000 रुपीज। यानी कि जितनी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है उनका इफेक्ट एक जगह आएगा सिर्फ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एक जगह लिखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी डबल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, उसका दूसरा इफेक्ट हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिखाई दे रहा होगा पहले से। लेकिन अगर कोई हमारा आउटस्टैंडिंग कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसके डबल इफेक्ट आएंगे। डबल इफेक्ट का लॉजिक क्या है, क्योंकि उसको हम अगर रिकॉर्ड करते तब भी तो डबल इफेक्ट होता ना, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करती तब भी तो उसका डबल इफेक्ट लेती, एक तो मेरा वो पर्टिकुलर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता और दूसरा इफेक्ट उसका क्या आता, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती। तो ट्रायल बैलेंस में ये दोनों चीजें होती, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कैसे उसको सही करते हैं, हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में उसको ऐड कर देते हैं और उस वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, तो इसलिए हम उसको लाइबिलिटी में शो कर देते हैं। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो उसकी ये ही एडजस्टमेंट होगी। अच्छा एक चीज और, अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर रेंट था, या मैं कोई और एक और एग्जांपल लेती हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुम्हें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। आउटस्टैंडिंग कोई भी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई और एक्सपेंस का नाम बताओ। आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है 6,000 रुपीज, क्लियर है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस गिवन ही नहीं है, मतलब कोई हमारा और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ ही नहीं था, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो एक्सपेंस पहले से गिवन था तो हमने उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में उसको ऐड कर दिया था। अगर एक्सपेंस वो अंदर गिवन नहीं होगा ट्रायल बैलेंस के, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या करेंगे हम, ये जो आउटस्टैंडिंग वाला है भाई, इसका इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में तो आएगा ही ना, तो मैं क्या करूंगी, जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगी तो पीएनएल अकाउंट में डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कितना,
6,000, क्योंकि मैं इसको ऐड किस में करूं, पहले से है ही नहीं वो वैल्यू मेरे पास, तो ये 6,000 rupees हम डायरेक्टली लिख देंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए, ठीक है। कहने का मतलब यही है, 6,000 मेरे P&L अकाउंट में दिखाई देने चाहिए। जैसे ये 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी थी तो P&L अकाउंट में दिखाई दे रही है ना, 5,000 है तो ये भी P&L अकाउंट में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर पहले से वो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको डायरेक्टली तुम क्या करोगे P&L अकाउंट में लिख दोगे, और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लाइबिलिटी में दिखा दोगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना 6,000 rupees। क्लियर है? मींस वो पहले से अगर एक्सपेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस में, यानी कि कुछ और खर्चा पहले से हुआ था उससे रिलेटेड, तो उसमें एड करके दिखाओगे, नहीं गिवन है तो उसको डायरेक्टली लिख दोगे। क्लियर है? ये थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो इनमें से ये जो मैं 4 एडजस्टमेंट आज करा रही हूँ, इनमें से एटलीस्ट 2 एडजस्टमेंट जरूर आती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम ये 4 एडजस्टमेंट देखते हैं। 4 एडजस्टमेंट तुम समझ गए होंगे कि कौन कौन सी मैं कराने वाली हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तो ये हो गई, अगर तुम्हें इसकी जर्नल एंट्री पता है तो तुम्हें ये एडजस्टमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जर्नल एंट्री से ही पता चल रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट, मतलब वो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, और दूसरा इफेक्ट उसका क्या गया है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। क्लियर है? याद करने की इनको जरूरत ही नहीं है फिर। अब देखो दूसरा मैं यहां पर लेती हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। अब अगर तुम्हें जर्नल एंट्री पता होगी तो तुम मुझे डायरेक्टली खुद भी बता सकते हो कि इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा तुम्हें, ट्रायल बैलेंस में पहले से ही कुछ एक्सपेंसेस गिवन होंगे। प्रीपेड एक्सपेंस में मैं ले लेती हूँ इंश्योरेंस, यहां पर एग्जाम्पल, तुम्हें ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया हुआ है इंश्योरेंस, ठीक है। मान लेते हैं इंश्योरेंस की वैल्यू दी हुई है 20,000, और बाहर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 rupees, तू नहीं कुछ और ले लेती हो, फिगर कंफ्यूजन रहेगा वरना, 3,000 rupees। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 3,000, यानी कि ये जो इंश्योरेंस हमने पे किया हुआ है ना डेबिट में जो लिखा हुआ है, इसमें कुछ हमें बाद में पता चला कि इसमें से 3,000 rupees हमारे प्रीपेड थे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट होती है, मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अगर मेरा मतलब जो एक्सपेंस मैं ऑलरेडी बुक कर चुकी हूँ उसमें से मुझे बाद में पता चला कि 3,000 rupees हमारे प्रीपेड थे, मतलब वो एडवांस में पे किए थे हमने, और हमने उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं इसका इफेक्ट देखो क्या लेकर चलूंगी, जब हम बनाएंगे P&L अकाउंट, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा P&L में आता है, तो P&L अकाउंट में क्या होगा, मैं यहां पर लिखूंगी 2 इंश्योरेंस, ये कौन सा इंश्योरेंस होगा, जो मेरा ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20,000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से क्या होगा, अगर ये देखो प्रीपेड था तो इट मींस ये नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए था, और हम P&L अकाउंट बना रहे हैं जो भी हमारा ईयर होगा उससे रिलेटेड, तो यहां से मैं यहां पर क्या करूंगी, देखो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे इस बार, इसमें से क्या हो जाएंगे 3,000 rupees लेस हो जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा 17,000। क्लियर है? और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं ना, वो हमारे लिए एसेट होते हैं, क्या होते हैं, एसेट होते हैं, क्योंकि हमने एडवांस में कोई खर्चा कर दिया उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर जाके मिलेगा अभी, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। तो दूसरा इफेक्ट इसका कहां पर आएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में कौन सी साइड में लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से कितने रुपए, 3,000 rupees। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई प्रीपेड एक्सपेंस गिवन होगा तो हम उसका क्या इफेक्ट लेंगे, उसको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, और यहाँ पर क्या होगा, एसेट साइड में दिखा देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के नाम से, उतना वैल्यू कहाँ आ जाएगी, हमारी एसेट में आ जाएगी। तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ गया, उस एक्सपेंस को वो कम कर देगा, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस हमें अगर बाद में पता चला तो देखो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट,
ये बात हमें बाद में पता चली जब हमने एक्सपेंस पूरा बुक कर लिया था, तो ये जो हमने इंश्योरेंस का भी डेबिट किया होगा ना, इस इंश्योरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बात हमें बाद में पता चली कि ये 3,000 रुपीज इसमें से एडवांस थे, तो जो इंश्योरेंस मैंने डेबिट किया हुआ था उस इंश्योरेंस को हमने आज यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ इसका इफेक्ट वही आया, देखो इंश्योरेंस की वैल्यू हमने यहाँ कम की है, तो मैंने यहाँ पर लेस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट है, इट मींस ये हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। कोई कंफ्यूजन है दोनों एडजस्टमेंट में तो मुझे बता दो। कोई कंफ्यूजन किसी को भी समझ में आ रहा है? तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने देखी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, इसका क्या इफेक्ट आएगा, हम इसको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के साथ ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस की क्या एडजस्टमेंट होती है, हम उसको उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में से लेस करेंगे और उसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्लियर है? क्योंकि जो हमारी बुक में स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उसमें एक साथ ये 3-4 एडजस्टमेंट ले ली, तो हमें इसलिए सारी एक बार देखनी पड़ेगी। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम हमें रिसीव हो गई, अभी वो ड्यू नहीं हुई थी, बिफोर ड्यू। यानी कि अभी हमने सामने वाले को सर्विसेज नहीं दी, या हमने उसको अपने गुड्स सेल नहीं किए, उसने हमें एडवांस में पैसे दे दिए, तो जो हमारे लिए एडवांस इनकम होती है ना, वो एक टाइप की हमारे लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। मान लेते हैं तुमने फीस एडवांस में दे दी, पर तुम्हें हमने पूरे मंथ पढ़ाया ही नहीं, तो तुम्हारी जो हमारे ऊपर फीस आई हुई है पहले से, वो हमारे लिए क्या है? एक टाइप की लाइबिलिटी है। जब तक मैं तुम्हें सर्विसेज नहीं दे दूंगी, जब तक वो हमारे लिए वो फीस लाइबिलिटी बनकर रहेगी हमारे ऊपर। जिस दिन वो टाइम पूरा हो जाएगा, वो लाइबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी, फिर वो मेरी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर मान लेते हैं तुमने मुझे फीस एडवांस में दे दी, मंथ स्टार्ट होता था फर्स्ट से, फर्स्ट पे ही मेरे पास फीस आ गई, तो इट मींस वो पूरे महीने जब तक मैं सर्विसेज नहीं दे दूंगी, तब तक वो पैसे मेरे लिए लाइबिलिटी रहेंगे। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें सर्विसेज नहीं दी। क्लियर है? तो एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव हो गई लेकिन वो अभी ड्यू नहीं होती। तो इसका इफेक्ट देखो क्या होगा, अब वही ले लेते हैं फिर से। ट्रायल बैलेंस तुम्हें गिवन है, ट्रायल बैलेंस में तुम्हें कोई इनकम दी हुई है, मान लेते हैं कमीशन, कमीशन तुम्हें कोई इनकम दी हुई है, बताओ डेबिट में होगी इनकम या क्रेडिट में होगी? ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन की वैल्यू पहले से गिवन है, मान लेते हैं 30,000 रुपीज, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया हुआ है क्या? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000 कि इसमें से, ये बात हमें बाद में पता चली कि इसमें से 5,000 रुपीज एडवांस थे। एडवांस थे इट मींस वो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे। तो देखो इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब कमीशन हमारी एक अदर इनकम होती है, मतलब नॉन, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो कमीशन इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी। ज्यादातर एडजस्टमेंट तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली ही मिलेंगी, ठीक है। तो कमीशन तुम्हारा कहाँ पर लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तुम यहाँ पर लिखोगे बाय कमीशन, कितनी वैल्यू है बाय कमीशन? 30,000 रुपीज जो तुम्हें ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब ये बोल रहे हैं इसमें से 5,000 रुपीज एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन बताओ यहाँ पर मुझे ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए?
लॉजिकली सोच के बताओ, इसमें से 5,000 रुपीज एडवांस है, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ पर ये 30,000 में से 5,000 लेस करने चाहिए या एड करने चाहिए? लेस लेस करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर एडवांस कमीशन की वैल्यू क्या कर दूंगी, 5,000 रुपीज लेस कर दूंगी, यहाँ पर आ जाएगा 25,000। अब हमने देखा एडवांस कमीशन हमारे लिए क्या है, एडवांस में अगर कोई इनकम मिलती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो लाइबिलिटी साइड में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडवांस कमीशन के नाम से कितने रुपए, 5,000 रुपीज। क्लियर है? जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस थे वो हमारे लिए एसेट थे, क्योंकि अगर हमने कोई एडवांस में खर्चा कर दिया तो उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो इसलिए वो मेरे लिए एसेट है, और एडवांस में अगर मुझे कोई इनकम मिली है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो मिक्सअप मत करना इसलिए, ठीक है? समझ में आई एडवांस इनकम की एडजस्टमेंट? अगर एक समझ में आ जाती है तो सारी समझ में आ जाती है, फिर लॉजिकली तुम समझ रहे हो। क्लियर है? फिर हम क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी पहले हमें अलग से पता होनी चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन में करा पाऊंगी, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा नहीं हो सकता इसके ऊपर। तो ये एडजस्टमेंट थी हमारी एडवांस इनकम के ऊपर, ठीक है? फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारी, क्या बची बताओ, एक्रूड इनकम। दो एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, दो एडजस्टमेंट इनकम से रिलेटेड है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम ड्यू हो गई लेकिन मुझे अभी रिसीव नहीं हुई, बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि मैंने सर्विसेज तो दे दी, मान लेते हैं मुझे फीस नहीं मिली किसी की, ठीक है, हमने सर्विसेज दे दी, मैंने पूरे महीने तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन मेरे पास अभी फीस नहीं है, तो वो पैसे जो ड्यू हो गए हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए, मैं अपनी इनकम तो अपनी बुक्स में शो करूंगी ना, तो वो इनकम में क्या हो जाएगी मेरे लिए, एक्रूड इनकम। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम ड्यू हो जाती है ना, या कोई भी एक्सपेंस हमारा ड्यू हो जाता है, हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो हमने पे किया है या नहीं किया, या फिर अगर हमें इनकम की बात करती हूँ तो चाहे हमें वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं ना अकाउंट्स में, हमने दो बेसिस पढ़े थे, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, तो हम कौन सा बेसिस फॉलो करके चलते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो देखो ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन होगा, कोई इनकम हमें गिवन होगी, मान लेते हैं क्या नाम लू, कौन सी इनकम लू, इंटरेस्ट के लिए लिख लेती हूँ, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट अगर मुझे क्रेडिट में दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना, 20,000, इंटरेस्ट की वैल्यू अगर क्रेडिट में लिखी हुई है, इट मींस ये हमारे लिए इनकम है, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि एक्रूड इंटरेस्ट, क्या वर्ड यूज किया हुआ है, एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज कितना, 4,000, 4,000 रुपीज का एक्रूड इंटरेस्ट था, मतलब जो 20,000 इंटरेस्ट है वो तो है ही, बाद में हमें पता चला 4,000 रुपीज ऐसा इंटरेस्ट भी था जो कि ड्यू हो गया था लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ था, तो एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एसेट बन जाते हैं, जो पैसा मुझे मिलना चाहिए था लेकिन अभी नहीं मिला, यानी कि इन फ्यूचर मिलेगा मुझे, तो वो एक्रूड इनकम मेरे लिए बन जाती है एसेट, जैसे एडवांस इनकम हमारे लिए लाइबिलिटी है, एक्रूड इनकम जस्ट अपोजिट हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। एसेट बनने का लॉजिक भी तुम्हें मालूम है, तो देखो एक्रूड इंटरेस्ट इसकी मैं कैसे करूंगी एडजस्टमेंट, जब हम P&L अकाउंट बना रहे होंगे तो P&L अकाउंट में तुमने क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय इंटरेस्ट, जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू गिवन है 20,000, ठीक है, बाय इंटरेस्ट लिखा होगा। अब ये जो बाहर हमें एक्रूड इंटरेस्ट गिवन है इसका क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे यहां पर,
ऐड कर देंगे, मतलब हमारा ये वाला इंटरेस्ट की वैल्यू भी तो इंक्लूड होनी चाहिए ना भाई, ये इनकम मेरी जिस साल की है मुझे उसी साल में तो रिकॉर्ड करनी है। तो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ये इनकम मेरी इस करंट ईयर में ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई थी और हम इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करूंगी, एड कर दूंगी, क्योंकि ये 4,000 रुपीज मेरी करंट ईयर की ही इनकम है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 24,000। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पर आएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे इसको, एसेट साइड में, कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से कितना, 4,000 रुपीज। क्लियर है? तो ये हमारी थी 4 एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो मैं इनका एक क्रक्स लिख देती हूँ एक जगह, ठीक है, क्या इसका हमारा बना। पहली एडजस्टमेंट हमने देखी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है, क्योंकि एक जगह लिखी रहती है ना तो हमें थोड़ा ध्यान रहता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो हम उसको पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या कर देंगे, एड कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट हमारा कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, यानी कि जब मैं उसको एक्सपेंस में ऐड करूंगी तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? एक तो हमारा इफेक्ट ये गया और दूसरा इफेक्ट हमारा ये आया। दूसरी एडजस्टमेंट हमने देखी प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस से क्या होता है, कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा, एक तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा, एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ जाएगा, हमारे एसेट को इंक्रीज कर देगा, एसेट साइड में दिखाई देगा। क्लियर है? थर्ड हमारी एडजस्टमेंट हमने देखी है एडवांस इनकम की, एडवांस इनकम का इफेक्ट कहाँ कहाँ गया था, एक तो वो हमारे पर्टिकुलर इनकम को डिक्रीज कर रहा था, है ना, क्योंकि वो एडवांस थी, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी तो हमें उसमें से माइनस करनी पड़ी, और दूसरा इफेक्ट उसका हमारे लिए क्या बनता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, मतलब लाइबिलिटी में दिखाई देता है, ठीक है, एक तो वो इनकम को डिक्रीज करेगा और दूसरा हमारा लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फोर्थ हमने देखा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है, जो इनकम हमारी ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, इसका इफेक्ट हम कहाँ कहाँ जाता है हमारा, उस पर्टिकुलर इनकम को इंक्रीज कर देगा, और दूसरा इफेक्ट उसका आएगा एसेट साइड में, एसेट को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो ये 4 एडजस्टमेंट का हमारा कहीं ना कहीं ये क्रक्स निकला, और इसके ऊपर ही हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें हमारी ये एडजस्टमेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, उसमें एक एडजस्टमेंट तुम्हें और मिल सकती है, मुझे जितना ध्यान है, ये 4 में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, क्योंकि एक छोटी सी एडजस्टमेंट और है वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं, क्योंकि फिर वरना वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ में आई? इनमें से एटलीस्ट तुम्हें 2 एडजस्टमेंट जरूर मिलेंगी एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए, और ये तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन में रिपीट ही होंगी, तो जब इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही कि कैसे उसको करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, अभी हम प्रेजेंटेशन सीखेंगे, पहले तुम्हें एडजस्टमेंट का मतलब पता होना चाहिए और उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। संस्कृति, सानवी, मानसवी? नो मैम। तो देखो, एक और हम एडजस्टमेंट करते हैं, 5th एडजस्टमेंट, छोटी सी है, डेप्रिसिएशन की। किसकी एडजस्टमेंट? ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं टेंजिबल वाले,
उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बता दो पहले तो मुझे, क्या जर्नल एंट्री होती है? अगर हमें डेप्रिसिएशन लगा है मशीन के ऊपर तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम उसकी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यानी कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है एक टाइप का, टू मशीन, या फिर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर लेती हूँ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? जो भी वो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट हुआ, मशीन हुआ तो मशीन क्रेडिट हो जाएगी, फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, जो भी उसका नाम गिवन होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की हमारी क्या जर्नल एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब देखो यहीं से ही तुम्हें लॉजिक क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमारा एक टाइप का एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देना चाहिए, और उसका दूसरा इफेक्ट क्या जा रहा है, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है, क्योंकि एसेट हमारे डेबिट होते हैं जब हम परचेज करते हैं, अब वो डेप्रिसिएशन की वजह से क्रेडिट हो रहे हैं, इट मींस उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो डेप्रिसिएशन का कहाँ कहाँ इफेक्ट जाने वाला है, अगर तुम्हें जर्नल एंट्री पता है तो तुम आराम से एडजस्टमेंट कर दोगे। एक इफेक्ट तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और दूसरा इफेक्ट उसका उस पर्टिकुलर एसेट में से वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं तुम्हें ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ होगा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू, मान लेते हैं तुम्हें मशीन की वैल्यू दी हुई है 1 लाख रुपीस। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है, 2 ले लेते हैं हम समझने के लिए, 50,000। ठीक है, ये दो फिक्स्ड एसेट तुम्हें गिवन। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया हुआ है क्या, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ कितना, 10% पर एनम। डेप्रिशिएट मशीन एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मींस हमें ये बात बाद में पता चली कि हमें मशीन और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगाना था। अगर हमने ऑलरेडी लगाया होता तो ये मशीन की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू पहले से ही कम होती और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी ट्रायल बैलेंस में होती, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, इसका क्या मतलब है, हमने डेप्रिसिएशन अभी नहीं लगाया, ये बात हमें बाद में पता चली। तो देखो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, पहले तो मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑन मशीनरी कितना आएगा, 1 लाख का हमारा है, उसके ऊपर 10% कितना हो जाएगा, ये 10,000। पहले तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए ना डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर है, उसके ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 5,000। यानी कि 10,000 हमें मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है और 5,000 हमें फर्नीचर के ऊपर लगाना है। तो देखो इसका इफेक्ट कैसे आएगा, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हो, सॉरी P&L अकाउंट बना रहे होंगे, तो डेप्रिसिएशन एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, तो वो हमारा P&L अकाउंट में ही लिखा जाता है। अब देखो डेप्रिसिएशन की वैल्यू तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से गिवन नहीं होगी मोस्टली, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन मोस्टली एडजस्टमेंट में ही गिवन होता है, इट मीन्स हमने पहले कभी डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं। तो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में टू, क्योंकि पहले से तो गिवन है नहीं कि मैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में उसको एड कर दूं, तो जब नहीं गिवन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डेप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन कौन कौन से एसेट है हमारे, मशीन एंड फर्नीचर, इसका 10,000 है और इसका 5,000 है, दोनों का टोटल हमारा हो जाएगा 15,000, जो कि आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। P&L अकाउंट में तो उस एक्सपेंस हमने वो डेबिट कर दिया, भाई P&L अकाउंट में लिखा गया मशीन के ऊपर था 10,000, फर्नीचर के ऊपर था 5,000, दोनों का मिला के हो गया 15,000। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, जब तुम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो एसेट तो तुम एसेट जो तुम्हारे मशीन और फर्नीचर है वो तुम एसेट में लिख रहे होंगे, एसेट में ही तो लिखते हो, तुमने यहां पर लिखा होगा मशीन की वैल्यू कितनी, 1 लाख। अब ये 1 लाख में से ये 10,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, हमारा एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू दिखाई देगी 90,000,
तो इस तरीके से तुम्हें एडजस्टमेंट दिखानी है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर तुम्हारा था 50,000, 50,000 में से ये डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा इसका 5,000, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह जाएगी 45,000। तो इस तरीके से तुम्हें ये एडजस्टमेंट दिखानी है। तो डेप्रिसिएशन की क्या एडजस्टमेंट होती है, एक तो वो P&L अकाउंट में लिखा जाता है, दूसरा जिस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है उस एसेट में से माइनस करके दिखाया जाता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। तो तुम्हें जर्नल एंट्री मालूम है इसकी, तो तुम ये एडजस्टमेंट आराम से कर पाओगे। क्लियर है? काफी हद तक ये समझ लो हमारी ये पांच एडजस्टमेंट है ना, और थोड़ी सी एडजस्टमेंट रहती है। ये पांच एडजस्टमेंट ही हमारी मोस्टली क्वेश्चन में दिखाई देंगी तुम्हें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एडजस्टमेंट वाला, उससे तुम्हें और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे कोई एक बार एक ही क्वेश्चन की पिक भेज दो, बस ज्यादा मत देना, मतलब फिलहाल एक ही दे दो, फर्स्ट क्वेश्चन की कोई भी सेंड कर दो, सानवी तुम ही कर दो सेंड, सानवी या मानस की कोई भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा टाइम मत लगाना प्लीज, जल्दी करना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि एक क्वेश्चन हो जाए। सानवी कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे तुम्हारी वॉइस मतलब आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मुझे किसी की भी नहीं आ रही है, रुको 1 मिनट। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो कोई कुछ बोल रहा था क्या? बोलो, मुझे सेंड कर दो। मानस की तुम ही सेंड कर दो, उसका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। तो हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सान भी कोई नहीं, अगर मेरी आवाज तुम्हें आ रही है तो इतना भी काफी है, ठीक है? तो देखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करो। सबसे पहला काम हमारा डेबिट क्रेडिट, ठीक है? मैं तो फ्री हैंड ही बना लेती हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होता है प्रॉपर बनाने में। तुम लोग भी हैबिट में ले आओगी स्केल का यूज ना करना पड़े, फ्री हैंड अच्छी लाइंस ड्रॉ कर पाओ, क्योंकि कॉपी में तो इजीली ड्रॉ हो जाती है, इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो देखो, ये हमारे फॉर्मेट हमने बना लिया है, देखो ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है।
हम जब पहले कर रहे थे, हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, तो मैंने तुम्हें वहां पर बताया था कि तुम स्टार्टिंग से देखते चलो और जो इन्फॉर्मेशन जहां लिखी जानी है उसको वहां पर लिखते हुए चलो। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें तुम्हें पहले वो इन्फॉर्मेशन करनी है, उनको सॉल्व करना है जो एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है? उससे तुम्हारा टाइम सेव होगा और कोई चीज तुम्हारी मिस नहीं होगी। और जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम्हें पता है क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम्हें इतना आइडिया लग गया है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर हम सेल्स लिखते हैं, तो मैंने ऊपर सेल्स के लिए स्पेस थोड़ा सा छोड़ दिया है यहाँ पर। उसके नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा 16,000 है। एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर हमारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे तो वो आ जाएंगे। 16,000 मैंने स्टॉक को एक तो बैलेंस शीट में लिख दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। क्लियर है? यानी कि मैं पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व करूंगी, उसके बाद जो मेरी बचेंगी इन्फॉर्मेशन वो हम उठाकर जहां जहां उनको लिखना होगा लिख देंगे। अब देखो हमारी जो सेकेंड एडजस्टमेंट दी हुई है वो दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% और डिलीवरी व्हीकल के ऊपर लगाना है 15%। तो हमें डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, तो तुम्हें देखो क्या करना होगा, तुम्हारे पास बुक है, बुक में तुम कैसे देखो इसको करोगे? हमें जो एडजस्टमेंट दी हुई है ना, जिस पॉइंट से रिलेटेड वो एडजस्टमेंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टिक कर दो, मतलब उसको, उस इंफॉर्मेशन को टिक कर दो। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर देना। क्यों? क्योंकि जब हम बाद में सारी चीजें लिखेंगे तो कहीं हमसे दोबारा ना लिखी जाए गलती से। तो देखो हमारी एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड दी हुई है और डिलीवरी व्हीकल से रिलेटेड है, तो प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल पर ऊपर टिक लगा दो, प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल। तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अभी हमने देखा था डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% है, ऊपर देखते हैं हमें वैल्यू दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की 1,20,000, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट कर लेते हैं तो आ जाएगा ये हमारा 12,000। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल कितना, डिलीवरी व्हीकल के की वैल्यू है 26,000, 26,000 के ऊपर 15% लगाना है हमें, क्योंकि डिलीवरी व्हीकल का जो रेट दिया हुआ है वो 15% दिया हुआ है। तो 15% इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा ये? ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का और 3,900, ठीक है? 15% कैलकुलेट करोगे तो 3,900 आ जाएगा। तो देखो इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे। पहला तो हमें क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है हमारी 12,000 एंड 3,900, एक इफेक्ट तो इसका P&L अकाउंट में आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन तुम देखोगे तुम्हें ट्रायल बैलेंस में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो P&L अकाउंट में हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। दो चीजों के ऊपर है ना, तो मैं दो बार नहीं लिखूंगी, एक बार ही यहाँ पर लिख दूंगी। किस किस चीज के ऊपर था? एक तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वो कितना था? 12,000, और एक डिलीवरी व्हीकल के ऊपर, वो कितना है? 3,900। तो दोनों का टोटल करके एक ही वैल्यू में बाहर लिख दूंगी, कितना हो जाएगा? 15,900। एक जगह तो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ लिखा गया, ठीक है? ये मैंने कहाँ लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो मैंने नीचे लिखा है, मतलब मैंने इतना पार्ट मान लेते हैं ऊपर का ट्रेडिंग का है, नीचे का P&L। दूसरा इफेक्ट इस डेप्रिसिएशन का देखो कहाँ जाएगा, जब हम एसेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000, उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना? 12,000। तो 12,000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 1,08,000। समझ में आया? दूसरा हमारा है डिलीवरी व्हीकल,
डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू हमें दी हुई है 26,000, उसमें से हम लेस कर देंगे कितना, डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो कितनी है 3,900। क्लियर है? तो ये है हमारी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। दोबारा से देख लो मैंने कहाँ कहाँ लिखा है। एक तो मैंने इस डेप्रिसिएशन को लिख दिया, डेप्रिसिएशन की वैल्यू को, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक तो हमारा ये P&L अकाउंट में चला जाएगा, और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ आया है, उस पर्टिकुलर एसेट में से लेस करके दिखाना है, क्योंकि हमारी डेप्रिसिएशन की वजह से उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है? तो देखो जब तुम ये क्वेश्चन करोगे, तो जब तुमने ये, हमें पता है हमने डिलीवरी व्हीकल और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिख दी है, तो तुम इन पर ना टिक कर दोगे, डिलीवरी व्हीकल पे भी और प्लांट एंड मशीनरी पे भी, क्योंकि जब हम बाकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो गलती से दोबारा ना लिखी जाए। क्लियर है? तो हम पहले एडजस्टमेंट वाले पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं, और जो फिर अंदर हमें जो बैलेंसेस गिवन है, ये जो बैलेंसेस बचते हैं, इनको हम उठा के जहां जहां लिखना होता है वहां लिख देते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? थर्ड हमें एडजस्टमेंट दी हुई है अनपेड रेंट। अनपेड का मतलब क्या हुआ, जो रेंट हमने पे नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग। अनपेड का मतलब यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है? अनपेड रेंट कितना है, 500। तो तुम ऊपर चेक करो, तुम्हें रेंट की वैल्यू कहीं गिवन है क्या? ऊपर जितने ये हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसमें देखो रेंट दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पर रेंट दिया हुआ है 4,500। तो इस रेंट पर भी तुम टिक कर लेना, रेंट कितना दिया हुआ है 4,500। तो यानी कि ये रेंट की एडजस्टमेंट है ना, इनकी रेंट के साथ हो जाएगी। तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट करते थे, हम यहाँ पर लिखते थे टू रेंट, क्योंकि एक्सपेंस है हमारा। तो देखो तुम्हें ऊपर जो बैलेंस दिया हुआ है रेंट का, वो दिया हुआ है 4,500, तो बाहर हमें बताया हुआ है 500 का अनपेड है, तो इसके साथ में हम इसको क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट एड हो जाएगा। हमने क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट होती है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में एड कर देते हैं अगर पहले से वो एक्सपेंस गिवन है, और दूसरा इफेक्ट इसका लाइबिलिटी में चला जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5,000। और दूसरा ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी में। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी दूसरी वैल्यू आ गई कहाँ पर, लाइबिलिटी में। आई होप तुम्हें ये एडजस्टमेंट समझ में आई होंगी कैसे कैसे हमने की है। क्लियर है? इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी करेंगे कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो हमने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली है, इसके अलावा बचा क्या, जितने भी बैलेंसेस बचे उनको जहां जहां हम जैसे लास्ट चैप्टर करते थे वैसे ही सॉल्व कर देंगे। अब देखो कैपिटल है, कैपिटल हमारी कहाँ आ जाएगी, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी में आती है। कितनी वैल्यू है, अगर क्लास लीव करनी होगी, तुम्हारा क्लास का टाइम हो रहा होगा तो कर देना, क्योंकि जो नया था वो मैंने करा दिया है। अब तो मैं बाकी की जो बैलेंसेस बचे हैं उनको जहां जहां लिखना होता है वहां लिखकर बस पूरा क्वेश्चन हमें टोटल और बैलेंस कैलकुलेट करने हैं, और कुछ नहीं। ठीक है? दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है ड्रॉइंग्स, तो अगर लीव करनी होगी तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ड्रॉइंग्स का हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस कर देते हैं 7,000। उसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल, वो हमने लिख दिया, इसलिए मैंने कहा था कि इन पर टिक कर देना, वो रिपीट नहीं होता, कई बार हम गलती से लिख देते हैं दोबारा। उसके बाद में दिए हुए हैं सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे एसेट में आ जाते हैं। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है वो तो एक ही जगह लिखी जाती है, तो इसलिए जो बाकी के बचे उनको जहां जहां लिखना है वहां फटाक से बस लिखते चलेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो लाइबिलिटी में आ जाएंगे 26,000। नेक्स्ट दिया हुआ है परचेजेस, परचेज कहाँ जाती है हमारी, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद में दिया हुआ है सेल्स, सेल्स भी ट्रेडिंग में आएंगी 42,000।
उसके बाद में वेजेस, वेजेस भी हमारा ट्रेडिंग में आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है 8,000। उसके बाद में कैश एट बैंक, उसको एसेट साइड में लिखेंगे, सबसे नीचे लिख देते हैं कैश एट बैंक 26,000। फिर सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाते हैं हमारा, पी एंड एल अकाउंट में, डेप्रिसिएशन के ऊपर को लिख देती हूँ, नीचे इतना स्पेस नहीं रहेगा मेरा, 8,000। नेक्स्ट रिपेयर्स, क्योंकि ट्रेडिंग में तो यहां तक भी हो जाएगा कवर, ट्रेडिंग तो इतना भी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ऊपर को लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पी एंड एल अकाउंट में लिखे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, मैंने इतना पार्ट मान लिया। टू रिपेयर्स कितना, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा, सबसे ऊपर इधर आ जाएगा। रेंट हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने बोला था कि टिक लगा देना, ठीक है, क्योंकि कई बार गलती से दोबारा लिखा जाता है। रेंट हम कर चुके हैं, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे कहाँ चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है 1,500। उसके बाद में बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में, डेटर्स क्रेडिटर्स के नीचे लिख देते हैं, कितना 23,500। उसके बाद में बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारे कहाँ जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में, बैड डेट्स एक टाइप का लॉस है हमारे लिए। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो काफी एक्सपेंसेस आ गए इसमें भी, कैरेज इनवर्ड हमारा कितना है 1,600, ठीक है। तो देखो जो वैल्यूज हमें जहां लिखनी थी हमने लिख दी, अब हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है, मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रह गया, तो जो भी हमारा आएगा जीपी ही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड देखने में लग रहा है टोटल 58,000, इसका टोटल हो गया 58, में से देख लो बैलेंस जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना इसको, या मैं कर देती हूँ, कर लेना, मैं आंसर देखकर लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट और है। देखो यहाँ पर ना तुम्हारा जीपी आ जाएगा, अगर मैं जीपी की वैल्यू देखकर लिख देती हूँ तो इसमें आ रही है 10,900 आंसर में, तो हमारी यही आनी चाहिए, क्योंकि 6 और 5 11 बना जाएगा, ठीक है। ये जीपी हमारा यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, मैंने तुम सॉल्व करके देख लेना, वैसे यही आना चाहिए क्योंकि, ठीक है। अब देखो जीपी हमारा है 10,900, अब तुम देख रहे हो एक्सपेंस वाली साइड का टोटल ज्यादा है, क्योंकि ये तो सिर्फ 10,900 है, इधर देखो ये 15,000 का एक्सपेंस है, 8,000 का, 1,900 का, तो ये वैल्यू ज्यादा है। जब हमारी इस साइड की वैल्यू ज्यादा आएगी तो बैलेंस हमारा इस बार इधर बचेगा, इस साइड का जो भी टोटल होगा वो यहाँ पर लिख दोगे, तो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, तो ये तुम्हारा, तुम जब तुम्हारी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इट मींस तुम्हारा बैलेंस यहाँ आएगा, तो ये तुम्हारा कहलाया जाएगा नेट लॉस। वैसे देखो मोस्टली क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट आ रहा था, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता था, इस बार हमें देखने से ही दिख रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट लॉस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नेट लॉस आ रहा है, आंसर में भी हमें गिवन है नेट लॉस ही कितना आ रहा है, मैं आंसर देखकर ही लिख रही हूँ, तुम चेक कर लेना अपने आप, 24,900, ये हो गया नेट लॉस। ये लॉस को तुम क्या करोगे, यहाँ पर लेस कर दोगे, नेट लॉस हमारा यहाँ पर लेस किया जाता है कैपिटल में से, प्रॉफिट होता है तो ऐड हो जाता है, लॉस है तो लेस हो जाएगा, कितना 24,900, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग हाईलाइट कर दिया, कैपिटल की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ लिख देना टोटल करके,
फिर तुम्हारा बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए। क्लियर है? तो ये था हमारा एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। आज हमने एक ही क्वेश्चन किया है इसका, इसको कंप्लीट कर लेना तुम लोग, ठीक है? अगर पीछे वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको कर लेना और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। ट्राई करना इसका आगे का एक क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाओ, क्योंकि कर लोगे कोई नहीं एडजस्टमेंट नहीं आ गई बेड डेट्स की। चलो जितना हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, एक ही एडजस्टमेंट है जो तुम नहीं कर पाओगे, बाकी सारे पॉइंट सॉल्व कर सकते, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना जितनी भी मैंने एडजस्टमेंट दी है, और जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो मुझे टेस्ट पेपर सॉल्व करके सेंड कर देना, कल सैटरडे संडे है तो आराम से कर पाओगे, ठीक है? मैं चेक कर दूंगी, ठीक है? चलो है ना, एंड करते हैं अभी। बाय बाय।